मैंने नहा लिया, नहा के खाना वाना भी खा लिया। रात में इतनी बारिश हुई है, उस टाइम से जो हवा बंद हुआ है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। हाँ, एक टॉप मेरे लिए भर, बहुत थक गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी अच्छे हैं। अभी सुबह का 8 बजने वाला है, मैं उठी थी 7 बजे ही, पूरी रात तो जागी थी 3 बजे तक। उसके बाद थोड़ी देर सोई, रेहान की तबीयत खराब थी पूरी रात, गर्म ठंडा पानी की पट्टी से पट्टी कर रहे थे। अभी सब रेहान, मैं और अम्मी सब तैयार हो गए जाने के लिए। मैंने आलू का पराठा भी पैक कर लिया ले जाने के लिए, वहाँ हॉस्पिटल बाहर खाना वाना अच्छा नहीं लगता खाने में, तो भूख लगी तो खाने तो वैसे ही आ जाएगा। अभी हम सब बैठे हुए माही के इंतजार में, माही को भी डॉक्टर के पास जाना है, बेटा उसकी दवाई लेनी है, तो इसलिए बैठे। 8 बजे घर से निकलना था, 8 बज गए, उसके बाद हम सब जा रहे हैं। ए माही, माही गया हॉस्पिटल का सारा काम ख़त्म। उसके बाद हम सब 1 या 1.5 बजे ऑटो में बैठे थे। बस में मुझे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं और नहीं रेहान को भी, तो इसलिए हम ऑटो में ही जाती, ऑटो में ही आती, कभी कभी बस में मजबूरी में बैठ जाती, बस जल्दी पहुंचा देता, इसीलिए ऑटो में थोड़ा लेट लगता है। जल्दी नहा रेहान, मैं भी नहाऊंगी, चक्कू छेदा हूँ भैया। छोटा ले चाहे बड़ा ले, बात तो बराबर ही है। छोटा देखो, धो के लाई तब ना आम खटिया, दूध निकाल के लाई, धो के लाई। हाँ, एक टॉप मेरे लिए भर, बहुत थक गई। मैंने नहा लिया, नहा के खाना वाना भी खा लिया। ऑटो में इतनी नींद आ रही थी कि लग रहा था अब मैं ऑटो में से नीचे गिर जाऊंगी। बार बार अपने आप आँख बंद हो जा रहा था, बार बार कितना भी कोशिश कर रही थी खोलने की, खुल ही नहीं रहा था। रात में सुबह 9 बजे रात से लेके 3 बजे सुबह तक जागी हुई थी ना, तो नींद तो आएगा ही। पूरी रात रेहान का पट्टी किया है वो, उसके बाद मैं जब आई थी बर्फ के पानी से, तब तो लाइट बंद करके सो गई थी ना, तो 3 बजे सोई थी। 3 बजे सोने के बावजूद भी वो बार बार उसको सिर छू के देख रही थी और फिर उसको अंधेरे में ही पानी भिंगा में आके डाल रही थी, समझी। उसके बाद थोड़ी देर नींद पड़ी तो नानी आई उठाने के, उठ जल्दी चलना नहीं है, फिर उठ गई। अभी जा रही थोड़ा आराम करने के लिए, इतनी थकान है देह में कि पूछो मत। मरीज ही उधर घूम रहा है, ए बाबू आके सो जाओ, देखो सोते के लिए बोल रहे तो नहीं सोते, सो जा। अच्छा बेटा सो जा, दवाई खाया ना अभी? अभी मैंने दवाई खिला दिया रेहान को, दो ही तो खाया है बस, एक है जब पेट में दर्द होगा तब, एक है जब बुखार लगेगा तब। अरे वो है बासी मुंह। हाँ, एक है बासी मुंह का। रात में इतनी बारिश हुई है, उस टाइम से जो हवा बंद हुआ है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतनी भीषण गर्मी है। फिर बुड्ढा क्यों ले गया बाहर? अभी नहाई हूँ थोड़ी देर पहले जब आई थी, तो बाप रे इतनी गर्मी, इतनी गर्मी है, पूरा कपड़ा भींगा हुआ पसीना से, थोड़ा सा पत्ता भी नहीं हिल रहा, कितना अच्छा हवा था ना। बारिश नहीं होती है तो उससे पहले बड़ा अच्छा रहता है ठंडा ठंडा मौसम, बारिश होने के बाद, बारिश होने के बाद पता नहीं। जिस टाइम से आई थी डॉक्टर के पास उसी टाइम से लाइट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लगता नहीं घर में सो पाऊँगी, बहुत थक गई थी इसीलिए कुछ बनाया नहीं, खाना खाके सवेरे सो जाऊंगी। मछली है सुबह का, और फिर अपना सारा अंग पक गया। ये एक नींबू 5 रुपए का इन्ना होता बखा कर दिया दरभंगे से ले खाने, रिहान खाई पर के नहीं आया, धो
अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। खाने में वही मछली वही है, आम काटा मैंने, ये सारा अपने पेड़ का आम है, पक गया सारा, वो खरीद लाई थी, वो तो रखा हुआ है, और रोटी खाने में।